परिवार देवबंद साहब की गुजारिश कर रहे हो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से लगा। एक मतले और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, और जिस तरह से आपने जबान उर्दू के अलग अलग रंगों को सुना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर भी शिरकत करेंगे। मैं कहता हूँ कि वो मुझसे कौन छीनेगा कि जो नेमत खुदा देता है, वो मुझसे कौन छीनेगा कि जो नेमत खुदा दे दे तो मुझको जहर दे दे या कि फिर कोई दवा दे दे। और सताए जब कोई फिरौन यारब तेरे बंदों को, सताए जब कोई फिरौन यारब तेरे बंदों को, बचाना हो अगर तुझको समुंदर रास्ता देता। एक मतलब और प्रोटीन शेर देखिए कि गौहर न करो जाया एक रोज एक कयामत है, गौहर न करो जाया एक रोज एक कयामत है, एक और भी आदिल है एक और अदालत है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा। एक और अदालत है, बहुत अच्छा। और जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, इस शहर के लोगों में कैसी ये शराफत है। वाह 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 वाह, कैसी ये शराफत है। बड़े बड़े जंगल बड़े बड़े सर, बहुत अच्छे। कि जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, इस शहर के लोगों में कैसी ये शराफत है। और ये फिर देखिए कि वस्फे बतौर खास वो दोहरी जबान है, वस्फे बतौर खास वो दोहरी जबान भी है, एक और आस्तीन में खंजर निहा भी है। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह बतौर खास, पढ़े फिर से पढ़े, वाह 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 वाह, वस्फे बतौर खास वो दोहरी जबान भी है, एक और आस्तीन में खंजर निहा भी है, और जिसकी हिमायतों का नतीजा मुकदमा, जिसकी हिमायतों का नतीजा मुकदमा, मेरे खिलाफ देखिए उसका बयान भी है। वाह 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 वाह, अरे वाह, जिसकी हिमायतों का नतीजा मुकदमा, मेरे खिलाफ देखिए उसका बयान भी है। क्या कहने क्या कहने। और देखिए कि आप इस शेर पर मैं दाद चाहूंगा, आप देखिए आपको अगर पसंद आए, कि किसके यकीन से इतने परिंदे छतों पे हैं, किसके यकीन पर इतने परिंदे छतों पे हैं, जब जलजले की जद में हमारा मकाम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। एक मतला और दो तीन शेर सर के, होठों से हंसी पहुंच न बातिल की तरह मिल, होठों से हंसी पहुंच न बातिल की तरह मिल, तू खत्म पे मायल है तो बातिल की तरह मिल। क्या कहने क्या कहने, होठों से न बातिल की तरह मिल, तू खत्म पे मायल है तो बातिल की तरह मिल, और मत पूछ सफीने से वो पहुंचा था कहां तक, मत पूछ सफीने से वो पहुंचा था कहां तक, साहिल के तलबगार से साहिल की तरह मिल, साहिल की तरह मिल, और हर कोई अदावत का सबब ढूंढ रहा है। क्या कहने, हर कोई अदावत का सबब ढूंढ रहा है, इस शहर से मिलना है तो गाफिल की तरह मिल, इस शहर से मिलना है तो गाफिल की तरह मिल। और एक शेर देखिए कि हर रोज के इस ख्वाब को ताबीर अता कर, गुफरान अहमद साहब, हर रोज के इस ख्वाब को ताबीर अता कर, एक रोज मुझे भी महकामिल की तरह मिल, मुझे भी महकामिल की तरह मिल। एक मतलब और दो शेर फिर एक छोटी सी गजल के देखिए कि वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, जरूरत का मेरी सामान अक्सर भेज देता है। वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, जरूरत का मेरी सामान अक्सर भेज देता है, जवाबन कुछ नहीं कहता मगर इतना भी क्या कम है, जवाबन कुछ नहीं कहता मगर इतना भी क्या कम है, मैं लिखकर भेजता हूँ जो वो पढ़कर भेज देता है,
मलिकर भेजता हूँ जो वो पढ़कर भेज देता है। और ये शेर देखिए कि मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्या, मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्यों, जिसे उड़ना नहीं आता उसे पर भेज देता उसे पर भेज देता है। जी जी जी, मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्यों, जिसे उड़ना नहीं आता उसे पर भेज देता है। उसमें छोटी सी गजल और मोहब्बत जिस पाक एहसास का नाम है, मुझे उम्मीद है कि आप इस तक पहुंचेंगे। और देखिए कि आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, सावन की घटाओं की फुहारों की तरह है। आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, सावन की घटाओं की फुहारों की तरह है। गमजीस्त का मैं और तेरे हुस्न का चर्चा, गमजीस्त का मैं और तेरे हुस्न का चर्चा, तूफान की नदियों के किनारों की तरह है, तूफान की नदियों के किनारों की तरह है। और फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है, फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है, अल्लाह ये शबनम तो शरारों की तरह है। फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है, अल्लाह ये शबनम तो शरारों की तरह है। और माजी की किताबों पे है धुंधले से उजाले, माजी की किताबों पे है धुंधले से उजाले, आंखों में तेरी याद सितारों की तरह है, आंखों में तेरी याद सितारों की तरह है। शेर देखिए कि खोलो न दरीचों को के इस पार का मंजर, खोलो न दरीचों को के इस पार का मंजर, राशन की दुकानों में कतारों की तरह है, राशन की दुकानों में कतारों की तरह है। और इसको भी भुला देंगे ये तारीख के पन्ने, इसको भी भुला देंगे ये तारीख के पन्ने, ये वक्त भी हम वक्त के मारों की तरह है। और आप शेर देखिए कि इस घर पर अभी तक जो बुजुर्गों का हिस्सा आया है, जी जी जी, इस घर पर अभी तक जो बुजुर्गों का हिस्सा आया, मस्जिद की अजानों की मीनारों की तरह है।